हाय माय ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है ट्रिपल वन टारे चैनल के ऊपर आप सभी लोगों को नमस्ते सलाम सत श्रीकाल आदाब सो so गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि आ, कौन सी प्यारी सी न्यूज कौन सी गुड न्यूज आपको बहुत जल्द मिलने वाली है ठीक है इस जनवरी के महीने में ओके okay, ये भी बता देती हूं मैं आप लोगों को इस जनवरी के मंथ में आप लोगों को कौन सी प्यारी सी जो है खुशखबरी अपनी जिंदगी में मिलने वाली है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और ये है पाइल नंबर वन और ये है पाइल नंबर टू ठीक है पाइल नंबर वन है हमारे पास फ्रेंडलीनेस और पाइल नंबर टू है हमारे पास ट्रांसफर मेशन ठीक है तो इन दोनों कार्ड में से जो भी कार्ड आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आप उसे चूज कर लीजिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से यानी कि इस फ्रेंडलीनेस वाले कार्ड से ओके इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूं और चलिए शुरू करते हैं आज की रेडिंग हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन तो जिन लोगों ने फ्रेंडलीनेस वाला कार्ड चूज किया था चलिए देखते हैं कि आप लोगों की जिंदगी में कौन सी खुशखबरी बहुत जल्दी आने वाली है ठीक है जी <coughs> Strength, not bad. Okay, just give me a moment. Bolt hmm. Magician Hermit. ठीक okay. <coughs> है लियो है हमारे पास देन वी हैव एरीज लियो सेजिटेरियस लियो इम्पॉर्टेंट है और फिर को कैप्रिकॉन भी है जिसके अंदर जो है हमारा विरगो जो है स्पेशली है यहाँ पे ठीक है जी hmm. कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे क्या अच्छी न्यूज आपकी जिंदगी में आने वाली है इस जनवरी के महीने में प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें फाइल नंबर वन की जिंदगी में क्या खुशखबरी आने वाली है मैन ओके काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज लग रही है मुझे यहाँ पे वैसे भी हरमिट का कार्ड आया था कि ये कार्ड ले लेते हैं ओके सेवन ऑफ सो आपको मुक्ति मिलने वाली है किसी फ्रस्ट्रेशन से ये तो कंफर्म है यहाँ पे फोर ऑफ डेथ कार्ड एंड सेवन ऑफ व ओके okay, तो मैं ना कुछ कार्ड में फेरबदल करूंगी यहाँ पे और फेरबदल मैं ये करूंगी कि इस कार्ड को मैं यहाँ लगाऊंगी और इन दोनों कार्ड को मैं यहाँ लगाने वाली हूँ ठीक है ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी रुकी बॉटम ऑफ द डेक हरमिट तो ये कंडीशन चल रही है आपके दिमाग के इन दिनों ये कंडीशन में चल रहे हो आप बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चल रहा है बहुत सारा स्ट्रेस आपके दिमाग में चल रही है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जिंदगी में क्या हो रहा है क्यों हो रहा है किस चीज के लिए हो रहा है उसका अंजाम क्या निकलने वाला है आपको नहीं पता आपके दिमाग में ये थॉट आता रहता है कि अभी जो आपकी जिंदगी में सिनेरियो चल रहा है क्या ये आपके किसी तरीके के भले के लिए है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपको मुसीबत में डाल रहा है ठीक है हो सकता है मुझे यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स नजर आ रहे हैं कुछ लोग लव रिलेशन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ लोग अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं ठीक है करियर वाले मुझे यहां पे ज्यादा लग रहे हैं और लव वाले थोड़े से कम है करियर वालों से हो सकता है ड्यू टू दिस कोविड रीजन और ये जितने भी प्रॉब्लम चल रही हैं आजकल इसकी वजह से ना आप लोगों को जो है uh, इतनी ज्यादा अच्छे से मतलब इतने अच्छे से जो भी आप चाहते हो आपकी जिंदगी में कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले या वो अपॉर्चुनिटी मिले वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल नहीं रही हैं आप बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड सा महसूस कर रहे हो दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ ना विद दिस मेजिशियन कार्ड कि आप चीजों को सेटल करने की कोशिश करते हो लेकिन एंड रिजल्ट जो होता है ना उसका अच्छा आपको नजर नहीं आता है ठीक है एंड रिजल्ट आपको ऐसा मिलता है कि यार आपने किया आपने दिया हंड्रेड और आपको मिला फिफ्टी परसेंट भी नहीं तो आप बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो और आप हरमिट मोड पे चले जाते हो ठीक है इस तरीके के नेगेटिव मोड पे आप चले जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाड़ में जाए कुएं में गिरे मुझे नहीं करना आप कुछ भी ठीक है और आप किसी से भी फिर बात नहीं करते हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट सिचुएशन में आ जाते हो ठीक है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में मुझे ये लग रहा है कि जो पर्सन है काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है आप लोगों की बात नहीं चल रही अपने पर्सन से काफी ज्यादा नेगेटिव नैरो माइंडेड थिंकिंग हो गई है उसकी चीजों को सही तरीके से नहीं ले रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है आपके बारे में अपने आप को गार्डेड अप करके बैठा हुआ है और आप उसके कॉल मैसेज इन सब चीजों का वेट कर रहे हो ठीक है चाहे अच्छे से बात होती है या बात नहीं होती है वो वाली मतलब वो जो टेस्ट था ना पहले वाला वो यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है और काफी ज्यादा इसलिए आप हैंग्ड फील कर रहे हो ओवरऑल आपकी एनर्जीज जो है हैंग्ड है और ओवरऑल uh, आपकी एनर्जी जो है हर्मिट मोड पे चल रही है हर्मिट मोड इन सेंस कि नेगेटिविटी होने के बावजूद भी आपके मन में इतनी सी सही पर होप है ठीक है और इस होप के सहारे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो चीजें अपनी जिंदगी में अच्छी करने की कोशिश कर रहे हो और इसी तरीके से लगे हुए खींचतान चल रही है आपकी जिंदगी में बहुत तगड़ी वाली तो गाइज मैं आप लोगों को बता दू आपकी जिंदगी में अगर आप करियर से परेशान हैं तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा घुमाव आने वाला है ठीक है आज की जो ये रीडिंग देख रहे हैं अगर उन लोगों से रेजोनेट हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं दूंगा आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा घुमाव आने वाला है एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है ओके और ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि हो सकता है व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हो ना वीडियो जो आप लोग देख रहे हो इस वीडियो के देखने के सात दिन या पंद्रह दिन बाद हो सकता है आपको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले और ये किसी तरीके की हो सकती है जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर अगर कोई लोग बिजनेस करें तो बिजनेस के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है विद दिस कार्ड हो सकता है आप लोगों की जिंदगी में एक ऐसी आ, एनर्जी आए आपके करियर में एक ऐसा घुमाव आए आपके आपके ये जो जो भी रिलेशन है इनके अंदर इस तरीके का घुमाव आए कि आपकी जिंदगी एकदम बदल के रह जाए मतलब चुटकियों में आप देखते रह जाओ अरे यार मतलब प्रपोजल आया कमिटमेंट आया शादी की बातें चल रही हैं ओके अपॉर्चुनिटी आई थोड़ा सा काम किया और अब अब प्रमोशंस चल रहे हैं चीजें इतनी ज्यादा सेटल होती चली जा रही है ठीक है तो काफी अच्छा महसूस आप करोगे आप फिर महसूस करोगे कि मैं स्ट्रेंथफुल हो गया हूं या स्ट्रेंथफुल हो गई हूं अब मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है ठीक है तो इस जनवरी महीने के अंदर मुझे आपकी जिंदगी में एक बड़ा घुमाव आता हुआ नजर आ रहा है और वो घुमाव फॉर श्योर होने वाला है आपकी किस चीज से रिलेटेड आपके होने वाले हैं जिंदगी से रिलेटेड न्यू बिगनिंग्स आपकी जो इस जनवरी मंथ की जो अपकमिंग जो ग्रोथ रहने वाली है वो काफी अच्छी होने वाली है अगर आप किसी करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर के परेशान हो तो भी और अगर आप किसी लव रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के परेशान हो तो भी ठीक है चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है ओके द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उन सब चीजों के अंदर क्या है मोमेंटम आ रहा है मोमेंटम इन सेंस की बढ़ोतरी आ रही है प्रॉब्लम जो है वो कम हो रही है सिचुएशन बढ़ रही है इज इंक्रीज हो रही है लक इज ऑन योर साइड एंड अन्यू रोमेंटिक साइकिल बिगे यही चीज मैंने आप लोगों से अभी बोली थी थोड़ी देर जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बोला था कि जो लोग अपनी जिंदगी में परेशान हो चुके हैं ना कि उनको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या कोई प्रपोजल नहीं मिल पा रहा है तो उनको वो प्रपोजल कमिटमेंट मिलने वाला है ठीक है वो कमिटमेंट प्रपोजल मिलने वाला है वो शादी होने वाली है उन लोगों की ओके तो टेंशन ना लो चीजें सुधरने वाली है फॉर श्योर ठीक है जी तो न्यू रोमांटिक साइकिल बनने वाली है लक आपके साथ है टेंशन ना लो पॉसिबल चेंजेस होने वाले हैं और बहुत अच्छा रहने वाला है आपका ये 2021 का जनवरी महीना ठीक है बस पॉजिटिव रहो चलिए तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों ने इंजॉय की होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी आप लोगों से रेजोनेट की होगी इफ करी है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आर चैनल किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को बाय हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू तो जिन लोगों ने ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज किया था चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या रहने वाली है आखिरकार इस जनवरी महीने में क्या दिलचस्प मोड लेने वाली है ज़िंदगी क्या होने वाला है कौन सी बड़ी खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है चलिए देखते हैं प्लीज़ मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें एंड प्लीज़ दिस इज़ अलर्ट फॉर दोस्त जो गायत्री मंत्र का मजाक उड़ाएं कमेंट सेक्शन में जा के मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और मैं हर धर्म का सम्मान करती हूं तो अगर आप लोगों को गायत्री मंत्र ना आए तो कुछ भी करें बस थोड़ी सी प्रेयर करें अपने लिए ठीक है कि चाहे वीडियो रेजोनेट हो चाहे रीडिंग रेजोनेट हो या ना हो हमें गाइडेंस जरूर मिले ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो ओके चलिए वर्ल्ड कार्ड हेरोफिन कार्ड नॉट बैड डेवल जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक वाओ ब्यूटिफुल सन ओके जी ओके सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों के साइन कौन कौन से यहाँ पे मौजूद हैं अभी मैं बताती हूँ आई गेस मैंने शायद फाइल नंबर वन में बताया नहीं शायद हो सकता है मैं भूल गई ओके okay. कुछ कहा जो निकालते हैं फिर बताते हैं अब मैं फाइल नंबर टू में भी नहीं बताऊंगी क्योंकि शायद मुझे लग रहा है मैंने फाइल नंबर वन में बताया नहीं ठीक है वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स देन वी हैव फूल

एन द एंड ऑफ द रीडिंग्स ठीक है चलिए ओके तो गाइज अगर आप लोग करियर को लेकर के परेशान हो बिकॉज यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो करियर के लिए देख रहे हैं कुछ लोग मुझे लग रहा है फॉरेन जाने के लिए भी देख रहे हैं कि आ, हमारा जो है अब्रॉड जाने का वीजा वगैरह लगेगा या नहीं चीजें सेंशन होंगी या नहीं कुछ लोग लव रिलेशन के लिए भी देखते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दू गाइस कि आप लोगों का जो भी काम ठीक है लाइक जो भी काम आप लोगों का रुका हुआ था ठीक है कि काफी समय से हो नहीं पा रहा था कि चीजें सेटल नहीं हो पा रही थी या फिर कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों की जिंदगी में हो रही थी तो वो जो है मुझे खत्म होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है ठीक है कैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ जो लोग फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे थे ठीक है फॉरेन जाने के बारे में इन सेंस कोई भी वजह से ना उनका काम रुक जाता था बीच में डिले हो जाता था तो वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं अगर आप लोगों का किसी तरीके का वाद विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के या फिर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम चल रही है अपने आ, करियर को लेकर के कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा है तो वो भी सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ठीक है अगर आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर या घर के ऊपर या काम के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करवा रखा है तो उसके खत्म होने के चांसेस आ रहे हैं विद दिस डेवल कार्ड ठीक है जी और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अपने लव लाइफ को लेकर के परेशान हैं कि पर्सन कोई मूव नहीं ले रहा है या चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हमारे बीच में और चीजें आकर के दोबारा वहीं रुक जाती हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं दूँगा वो चीज़ें भी आगे बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं हो सकता है इन सात दिनों में ठीक है वैसे तो जनवरी के बहुत सारे दिन बाकी हैं अभी लेकिन मुझे फॉर श्योर यहाँ पे लग रहा है विद इन सेवन डेज विद इन सेवन डेज हो सकता है आपके पर्सन आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दें या फिर कमिटमेंट नहीं तो हो सकता है आप दोनों की बातें हों ठीक है क्योंकि यहाँ पे ना एट ऑफ का भी कार्ड है तो हो सकता है आप लोगों की बातें हों आपको किसी तरीके की प्रॉस्पैरिटी आए जिंदगी में आपको किसी तरीके का बड़ा बदलाव आए ज़िंदगी में क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ठीक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल महसूस करो आपको ऐसा लगे विद दिस फूल कार्ड कि चीज़ें बढ़ रही हैं आगे आगे जाने की कोशिश हो रही है मेरी जिंदगी में मैं आगे बढ़ रहा हूं या मैं आगे बढ़ रही हूं ठीक है क्यों क्योंकि अब आपने ना रोना बंद कर दिया अब आपने भगवान से ना ऐसे हाथ फैला करके मांगना बंद कर दिया सिर्फ आप ऐसे प्रेयर करते हो आप अब आपके दिमाग में ये नहीं है कि भाई भगवान प्लीज मुझे ये दे दो भगवान प्लीज मुझे वो दे दो ये सही कर दो वो कर दो आपके दिमाग में ये पॉइंट आ चुका है कि कोई बात नहीं जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है सब कुछ बेस्ट हो रहा है मेरे लिए और सब कुछ मेरे लिए बेस्ट होता है थैंक यू सो मच मतलब जो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग है ना वो आपके मन में आ गई है इफ आ गई है तो फॉर फॉर्शर sure आपकी जितनी भी प्रेयर्स आपने पास्ट में करी हैं मतलब इसी लाइफ के जो पास्ट में आपने करी है ना वो सारी पूरी होने वाली है बिकॉज आप जो हो ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और हो सकता है इसीलिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज़ किया हो क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप आगे बढ़ रहे हो आप अच्छा सोच रहे हो अपने बारे में आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो आप सबके बारे में अच्छा सोच रहे हो ठीक है आप अपनी फैमिली के बारे में अच्छा सोच रहे हो अपने हस्बैंड अपने बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड अपने लवर के बारे में काफी ज्यादा अच्छा सोचते हो मुझे नजर आ रहे हो ठीक है और आपके पर्सन भी जो सबसे बड़ी खुशखबरी मेरे को यहां पे नजर आ रही है वो ये है कि जो लोग लव रिलेशन से परेशान है उन लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है आपका पर्सन आपको सारी चीज़ें कन्फिस कर सकता है ठीक है कि देखो मेरे साथ ये ये प्रॉब्लम है और ये ये चीजों में फंसा हुआ था चलो इस चीज को इस तरीके से यू टर्न लेकर के चीजों को सॉल्व करें ठीक है ऐसा हो सकता है और जो है मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में पैसे को लेकर के बड़ा बदलाव आ सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो कार्ड आया था हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ पेनिकल्स ठीक है तो फॉर श्योर गाइस पाइल नंबर टू आप लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बिग ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है फ्रॉम द लव साइड फ्रॉम द करियर साइड फ्रॉम द मनी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द जस्टिस एंड जजमेंटल एरियाज लाइक कोर्ट कचहरी हो गए या पुलिस स्टेशन वगैरह हो गए किसी भी तरीके का कोई भी लफड़ा चल रहा है वो चीजें सॉल्व होती हुई मुझे नजर आ रही है तो जो बिग एक खुशखबरी आपकी जिंदगी में आने वाली है वो यही है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है प्रपोजल आ सकता है या एक सॉलिडिटी एक सर्टेनिटी आ सकती है स्टेबिलिटी आ सकती है जिंदगी में या फिर कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे लॉटरी निकलते हुए भी नजर आ रही है ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड आया था ठीक है तो कुछ लोगों की मुझे लॉटरी निकलती हुई भी नजर आ रही है तो नेक्स्ट ये जो जनवरी का महीना है ये काफी ज्यादा खुशखबरियां लेकर आएगा आपकी जिंदगी में ओके okay जी एंड आई नो आप लोग जोडिक रीडिंग्स का काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो गाइस इस महीने मैं पोस्ट नहीं कर पाई बट फॉर श्योर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए फॉर मोर सच काइंड ऑफ अपडेट्स मैं अब ना इंस्टाग्राम पे ही वीडियो डाला करूँगी जो आप लोगों की मंथली जो होती है ना टैरोट वीडियोज़ ऑफ जोडिक्स वो मैं डालूंगी इंस्टाग्राम पे तो इफ़ अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है तो वहां मुझे फॉलो कर लें ठीक है ये दो कार्ड कहानी ओके न्यू स्टार इज कमिंग सी कहा था ना मैंने न्यू स्टार इज कमिंग योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए लग जाओ भाई काम पे टाइम फॉर हीलिंग तो ये समय है हील होने का ठीक है पॉजिटिव रहने का तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को बाय